हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी जो कैंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल द्वारा निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी तथा फॉर्म भरने के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। तो बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि की, यानी फॉर्म भरने का जो डेट है 18 मार्च 2019 से स्टार्ट हो रहा है तथा इसका लास्ट डेट जो है 11 मई 2019 है। आप 11 मई 2019 से पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अभी बताएंगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च 2019 से 11 मई 2019 तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट लिंक जो है डिसेबल हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समाप्ति की तारीख के दौरान भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को सख्ती से अंतिम तिथि से पहले बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जिन लोगों को आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल तथा बैंक आदि का स्टडी मटेरियल चाहिए, वो लोग अपना नाम और ईमेल हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे पास लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का 50 GB से अधिक का स्टडी मटेरियल है। आपको सारा स्टडी मटेरियल मेल कर दिया जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी रिजल्ट अड्डा से जुड़ सकते हैं, जहां पर ये सारा स्टडी मटेरियल पहले से अपलोड है। अगर इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें टंकक सह रिकॉर्ड कीपर की पोस्ट है, यानी टाइपिस्ट कम रिकॉर्ड कीपर की पोस्ट है, तथा कर संग्राहक की पोस्ट है यानी टैक्स कलेक्टर की पोस्ट है, और वन रक्षक की पोस्ट है, तथा पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की पोस्ट है, तथा सफाई वाला की पोस्ट है, और JBT अध्यापक की पोस्ट है। अगर पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टंकक सह रिकॉर्ड कीपर की एक पोस्ट है तथा इसका पे स्केल जो है 5,900 से 20,200 है, पे स्केल 1,900, तथा कर संग्राहक की इसमें एक पोस्ट है और इसका पे स्केल 5,910 से 20,200 यानी 1,900 पे स्केल है इसका, और वन रक्षक के लिए इसमें एक पोस्ट है तथा इसका पे स्केल जो है 5,910 से 20,200, तथा पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का इसमें टोटल एक वैकेंसी है तथा इसका पे स्केल 10,300 से 34,800 है, 4,200 पे स्केल है इसका। अगर सफाई वाला की बात करें तो इसमें टोटल 10 वैकेंसी है तथा इसका पे स्केल 4,900 से 10,680 है, तथा JBT अध्यापक की बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी है और इनका पे स्केल 5,910 से 20,200 है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 17 वैकेंसी है। आइए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो टंकक सह रिकॉर्ड कीपर जो है यानी टाइपिस्ट कम रिकॉर्ड कीपर के लिए कैंडिडेट को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर पर टाइपिंग की न्यूनतम गति जो है अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट की तथा हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कंप्यूटर पर कैंडिडेट को MS सब तथा MS एक्सेल यानी MS वर्ड और MS एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए कम से कम, तथा कर संग्राहक यानी टैक्स कलेक्टर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट तथा हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए MS वर्ड और MS एक्सेल का। अगर वन रक्षक की बात करें तो कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए कम से कम। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट की हाइट है कम से कम पुरुष की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर तथा फुलाने पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं का जो हाइट है इसमें महिला कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की। तो इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए कम से कम तथा उसके साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में डिप्लोमा किया होना चाहिए, और सफाई वाला के लिए कैंडिडेट को 8वीं पास होना चाहिए कम से कम। अब बात कर देते हैं JBT अध्यापक की। तो इसमें कैंडिडेट को सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% अंकों के साथ NCTE नियम 2000 के अनुसार राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर यानी JBT या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED किया होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी या कम से कम 50% नंबर के साथ उसके साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक यानी BEd होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट वरिष्ठ माध्यमिक कम से कम 50% अंकों के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन विशेष शिक्षा होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट को भारत सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में उत्तीर्ण या शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, आयु सीमा की।
तथा अनारक्षित कैंडिडेट की एज जो है 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए तथा अनुसूचित जनजाति की 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और अनुसूचित जाति की 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग की 18 से 28 साल होनी चाहिए और शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस चयन कैसे होगा, यानी चयन के तरीके की। तो पोस्ट कोड 001 और 002 जो कि रिकॉर्ड कीपर और कर संग्रह की है, तो इसमें 100 अंकों की एकाध विकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, यानी 100 अंकों की परीक्षा होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके साथ साथ केवल उन उम्मीदवारों के टाइपिंग और एमएस शब्द तथा एमएस एक्सेल की कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। कौशल परीक्षा केवल पास हुए कैंडिडेट की ही होगी तथा कोड नंबर 003 जो है यानी वन रक्षा के लिए कैंडिडेट को इसमें भी 100 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 90 मिनट का टाइम होगा इसमें। उसके साथ साथ पीईटी होगा 25 नंबर का तथा कोड नंबर 004 यानी कि पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, इसके लिए कैंडिडेट को इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और उसकी टाइमिंग जो है 90 मिनट है। उसके साथ साथ स्किल टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अब बात करते हैं कोड नंबर 005 की, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 005 जो है सफाई वाला के लिए है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें टाइमिंग जो है 90 मिनट होगी। उसके साथ साथ पीईटी होगी। अब बात करते हैं जेबीटी की, जिसका कोड 006 है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और तथा इसमें टाइमिंग जो है 90 मिनट होगी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की, ये पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो पोस्ट नंबर 001, 002 तथा 005 यानी कि रिकॉर्ड कीपर, कर संग्रह और सफाई वाला, इसके लिए सामान्य बुद्धि और तर्क के 25 क्वेश्चन होंगे तथा सामान्य जागरूकता के 25 क्वेश्चन होंगे, संख्यात्मक अभिरुचि के 25 क्वेश्चन होंगे तथा अंग्रेजी के जो है 25 क्वेश्चन होंगे तथा पोस्ट कोड 003 यानी कि वन रक्षक, इसके लिए सामान्य बुद्धि और तर्क के 20 क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता के 20 क्वेश्चन होंगे, संख्यात्मक अभिरुचि के 20 क्वेश्चन होंगे तथा अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन होंगे। उसके साथ साथ वन और वानिकी का ज्ञान जो है इसके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं कोड नंबर 004 की यानी कि पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की, तो इसमें सामान्य ज्ञान और बुद्धि तर्क के 15 क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान जागरूकता के 15 क्वेश्चन होंगे तथा संख्यात्मक अभिरुचि के 15 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी की समझ के 15 क्वेश्चन होंगे, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ज्ञान इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की जिसका कोड नंबर 006 है यानी कि जेबीटी की, इसमें सामान्य बुद्धि और तर्क के 20 क्वेश्चन होंगे, सामान्य जागरूकता के 20 क्वेश्चन होंगे, संख्यात्मक अभिरुचि के 20 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी की समझ के 20 क्वेश्चन होंगे तथा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 20 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों सभी प्रश्न समान अंकों के होंगे तथा गलत उत्तरों के लिए जुर्माना यानी निगेटिव मार्किंग होंगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न को दिए गए अंकों का 1/4 यानी 0.25 जुर्माना के रूप में काटा जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की यानी आवेदन शुल्क की। तो अनारक्षित कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, अनुसूचित जात के लिए कोई भी फीस नहीं है तथा अनुसूचित जनजात के लिए कोई भी फीस नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये शुल्क है, दिव्यांग के लिए कोई भी शुल्क नहीं है और महिला कैंडिडेट के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क जो है गैर वापसी योग्य होगा तथा शुल्क का भुगतान जो है ऑनलाइन मोड में होगा। अब बात करते हैं आवेदन के तरीके की। तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है 18 मार्च 2019 है, 18 मार्च 2019 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 11 मई 2019 है। ऑनलाइन पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि जो है 11 मई 2019 है। अब बात करते हैं वन रक्षक का फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट के फिजिकल स्टैंडर्ड की। इसमें जो है 100 मीटर दौड़ होगी, इसमें जो टाइम है 14 सेकंड है, आपको केवल एक ही प्रयास में उसको पास करना है और इसमें अधिकतम अंक जो है 7 नंबर है, जिसको 2 मिनट 45 सेकंड में पास करना है, केवल एक प्रयास है और इसमें टोटल अधिकतम 7 अंक है तथा ऊंची छलांग जो है 1.25 मीटर, अधिकतम 3 प्रयासों की अनुमति होगी जिसमें इसमें टोटल अंक जो है 5 नंबर है तथा ब्रॉड और लंबी छलांग जो है 4 मीटर की है, इसमें अधिकतम 3 प्रयास मिलेंगे आपको जिसके टोटल नंबर जो है 6 हैं तथा महिला उम्मीदवारों के लिए तथा वन रक्षक के महिला उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर दौड़ जो है 17 सेकंड में पास करनी होगी, केवल एक प्रयास दिया जाएगा और अधिकतम अंक इसमें 7 नंबर है तथा 400 मीटर दौड़ होगी, उसको 2 मिनट 15 सेकंड में पास करना है, इसमें भी केवल एक ही प्रयास दिया जाएगा
जिसमें 7 अंक अधिकतम है, और ऊंची छलांग जो है 70 सेंटीमीटर होगी अधिकतम 3 प्रयासों में, जिसमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है 5 नंबर है, तथा लंबी और ब्रॉड छलांग के लिए 2 मीटर है, इसमें अधिकतम जो 3 प्रयासों की अनुमति है तथा मैक्सिमम नंबर जो है 6 है इसमें। अब बात करते हैं सफाई कर्मी के लिए, तो इसमें जो पुरुष उप कैंडिडेट हैं जो फिजिकल हैंडीकैप को छोड़कर, उनको 800 मीटर दौड़ करनी है, केवल 1 प्रयास दिया जाएगा उसमें 3 मिनट में, तथा चिनअप्स की बात करें तो केवल 1 प्रयास दिया जाएगा उसमें 8 चिनअप करने हैं 1 मिनट में, लंबी कूद के केवल 2 प्रयास होंगे जो 11 फुट की लंबी कूद है, तथा भार उठाते हुए केवल 1 प्रयास में वजन कम करने के बिना 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी के लिए 20 प्लस 20 किलो वजन, तथा महिला कैंडिडेट के लिए 400 मीटर की दौड़ होगी, इसमें केवल 1 ही प्रयास दिया जाएगा, 2 मिनट में दौड़ पूरी करनी है, तथा भार उठाते हुए केवल 1 प्रयास में वजन कम किए बिना 2 मिनट में 25 मीटर की दूरी 15 प्लस 15 किलो वजन। अब बात कर लेते हैं इसमें पूर्व सैनिकों के लिए, तो इसमें 400 मीटर की दौड़ होगी, केवल 1 ही प्रयास दिया जाएगा, 1 ही अटेम्प्ट में आपको 3 मिनट में पूरा करना है। चिनअप के लिए केवल 1 ही अटेम्प्ट दिया जाएगा, जिसको आप 6 चिनअप्स करने हैं केवल 40 सेकेंड में, तथा भार उठाते समय केवल 1 ही अटेम्प्ट दिया जाएगा, वजन उठाते समय आपको 2 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करनी है 20 किलो प्लस 20 किलो के वजन से। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। मैंने इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर अगर आप न्यू हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं। आप यहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड का नाम डाल सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश है, और पोस्ट टू अप्लाई के लिए आप पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर फिलअप कर दें। आप यहां पर मोबाइल नंबर फिलअप कर दें, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी सिलेक्ट कर दें, उसके बाद यहां कैप्चा फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं, तथा जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं वो अपना यहां पर कंटेनमेंट अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, तथा पोस्ट जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, अपना ईमेल आईडी और एप्लीकेशन नंबर फिलअप कर देंगे, उसके बाद ओटीपी आ जाएगा और यहां पर वैलिडेशन कोड फिलअप करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।